ये गुरुद्वारा इधर एंड वी आर गोइंग बैक टू द रोड टू हिचहाइक। यहाँ से हिचहाइक करने वाले एक और लिफ्ट मिल गई हमें। वैसे ही है तो अभी आगे जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है तो मज़ा आ रहा है। ये लिफ्ट मिल गई हमें तो लखनऊ तक की। बैठा होता इसको ऊपर रख लो ना, ऊपर। तो लिफ्ट मिल गई है हमको लखनऊ तक के। यहाँ से ये अंकल ड्राइव कर रहे हैं, इन्होंने लिफ्ट दी है हमको। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। सो मजा आ रहा है भयंकर। वाओ गर्मी लग रही है सुनकर। सो आगे कह रहे अंकल कि थोड़ा गाड़ी खाली होगा, कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट अराउंड। सो फिर वहाँ से फिर अपना सामान से सेटअप करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो अभी हम स्टिल नो तनवा ही है। तो ये अंकल ने इस ट्रक पे हमको लिफ्ट दी थी और लखनऊ तक के लिए। तो अभी ये फ्लिपकार्ट का ऑफिस है यहाँ पे, तो सामान अनलोड कर रहे। कह रहे कि शाम को अराउंड 6 o'clock तक वी विल रीच टू लखनऊ। तो काफ़ी गर्मी है इधर एज़ कम्पेयर टू नेपाल। सो आपको अपडेट देता रहूँगा कब तक पहुँचता हूँ। और इस जर्नी में मज़ा तो बहुत आने वाला है गाइस। नौकरी पे लगा है चाय बनाने वाले ठेले पे। भोपाल से आया है चाय बनाने के लिए नौतनवा में। देखो मस्त चाय बना रहा है ये। सब कुछ करना चाहिए। हाँ इसको बनाना नहीं आता, बस यहाँ पे वो हीरो बन रहा है। तो अभी पहुंच चुका हूं जंगल कोडिया जगह है। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ये ट्रक खड़ी है अंकल की जिन्होंने हमको लिफ्ट दी है पेट्रोल भरवाने के लिए। अभी रुके हुए तो 2 मिनट का ब्रेक लिया है। ये नीरज आ गया। तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट मोर देन 300 किलोमीटर से लखनऊ के लिए। तो अभी देखते कब तक पहुँचते, आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। आप लोग ब्लॉग पे बने रहो। तो हम पहुंच चुके हैं खैलाबाद। यहाँ से लखनऊ 205 किलोमीटर अराउंड है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में खैलाबाद में। अभी फिलहाल तो आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, वीडियो देखते रहो। यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए अपनी धन्नो इधर है, आई मीन ट्रक। वो अंकल उधर पानी भर रहे। ये ढाबा है, ट्रक वाले लोग मोस्टली ढाबे में ही खाना खाते, तो हम भी आज ढाबे का खाना इंजॉय करते। तो ये आज का लंच रेडी हो गया हम लोगों का। ये छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे लंच करे अंकल के साथ आज लंच करे। खाने में ये दाल, क्या सब्जी, सेव टमाटर, रोटी, मिर्ची भी है जो कि ये खाता नहीं है। अपना लंच एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। Baby, 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 baby,
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। ये है अयोध्या पुल, देखो यार क्या मस्त लग रहा है ये। इधर देखो, इधर अभी लखनऊ पहुंचने में 140 किलोमीटर बाकी है। अभी 4 बज रहे, अभी अंकल फुल ऑन टॉकिंग, अंकल सुबह से बात कर रहे हैं, इतने एनर्जेटिक है अंकल, जब से सुबह बैठे हैं तब से फोन में बात कर रहे हैं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक है, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम पहुंच गए फैजाबाद, यहाँ से लखनऊ आई गेस 100 किलोमीटर्स है। तो ये अपनी धन्नो यहाँ खड़ी है, अंकल कुछ सामान ले रहे इधर दुकान से, तो मे बी अराउंड पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, जैसे पहुँचूँगा आप लोगों को अपडेट करूँगा। ये नेशनल हाईवे देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी आ रही है, ट्रक। अंकल क्या पिला, क्या होगा? समोसा, अभी हमको चाय पिलाने वाले है, ऐसी चाय जो आज तक हमने नहीं पी है। तो कह रहे हैं वहाँ पे समोसा एंड ऑल ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस है, और जो भी समोसा खा लेंगे चटनी को जरूर पी। अच्छा अभी दिखा दे रहा हूँ, मैं तो खाने वाला हूँ। हाँ मैं भी खाने वाला हूँ, सो लेट्स सी कैसा रहता है, एंड आप लोगों को बताऊँगा कि अंकल जो कह रहे हो सच है या झूठ है। वैसे अंकल झूठ तो नहीं बोलेंगे, बट हम टेस्ट करके बताएंगे। अभी देखो, और एक और चीज़ ये बता रहे कि जितने भी जो बड़े बड़े लोग जैसे पॉलिटिशियंस भी आते हैं तो वहीं चाय पीते हैं। तो ये स्टोरी अगर हम किसी और थ्रू जाते तो शायद नहीं पता चलती, बट अंकल ने बताया जो कि हमारे लिए बहुत सही है। आप लोग भी अगर कभी इधर आते हो तो देख लेना जैसा भी होगा। तो अंकल बता रहे कि 10 से 12 क्विंटल एक दिन में दूध आता है वहाँ पे। तो देखते कि मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। कम से कम 25-30 कार वाले खड़े होंगे वहाँ पे। हाँ होटल इस पार लाइन लगी होगी, उस पार 10 द्वार है, लाइन लगा खड़े हुए हैं, उधर उधर के आते हैं रोड तड़क के खाने के लिए। जो इधर वाले हैं वो तो भरा होगा इस समय। भाई साहब फेमस है तो अपन खाने वाले हैं। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सब जो भी है क्या मिलता है आई डोंट नो, छोला चटनी जो है फुलका समोसा का लाजवाब है। वाह विदाउट चटनी अंकल की बातों से इतना मतलब अभी से मतलब वो होता है ना एक क्यूरियोसिटी खाने के लिए। सो देखते हैं कैसा रहता है, देखते हैं आप लोगों को बताता हूँ। कौन सा बिरयानी अंकल? कबाबी। अच्छा बॉम्बे से जो है जो हीरो आती है उनके यहाँ जाएंगे जरूर, अमिताभ बच्चन तक सारे वो आए उनके यहाँ। अच्छा इतना फेमस है वो कबाबी, अभी अंकल ने जैसे बताया था यहाँ पे चाय और समोसा रबड़ी और रसगुल्ला काफ़ी फेमस है। ये होटल है, हाँ यादव होटल, ये फैजाबाद अयोध्या में पड़ता है। और ये चाय समोसे खा रहे हैं तो चाय नहीं पीता अंकल, चाय पी रहे तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। भाई बहुत क्रिस्पी और बहुत मस्त है। कैसा मस्त मस्त, और खाएगा है? मैं भी। और यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस तक आते हैं, काफ़ी फेमस है, देखो काफ़ी भीड़ लगी, लाइन लगी उधर।
वो आगे में टेस्टी है। कितने की थी समोसा? टोटल 36 का है चार ये सब कुछ। तो हमने दो चाय और 12 रुपए का ली तो 36 रुपए की, मतलब कितने का हुआ? 9 रुपीस ईच। आप लोग भी कभी आते हैं अयोध्या की तरफ जाते हो गर्ल्स होटल में, ये एड्रेस निकट लोहिया पुल अयोध्या रघुवीर यादव होटल है बेसिकली है। तो अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे चाय समोसा जरूर खा के जाना। मैं किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी भी है यादव होटल निकट लोहिया पुल अयोध्या। सो हमने चाय पी ली इधर से, समोसे भी खाए, बहुत क्रिस्पी था। अगर आप इस जगह पे आते हैं तो अपना जो भी है चाय वगैरह पी लिया, बहुत मज़ा आए। अंकल ने बताया कि 10 से 12 क्विंटल यहाँ पे एटलीस्ट दिन में डेली का मिल्क आता है। सो बहुत ही मज़ा आया। हमने ये देखो इधर रबड़ी पैक करा लिए रास्ते के लिए। सो क्रेडिट गोज टू अंकल। इसको खाएंगे तो हम याद करेंगे। अभी चलते इधर से, हमने अभी कराई है रबड़ी पैक, रबड़ी खाएंगे आगे जाके। जो कि अंकल बोल रहे हैं कि इधर है लोकेशन, तो याद रखेंगे ये लोकेशन है। मुझे लग रहा है फैजाबाद आते तो यहाँ के चाय रबड़ी समोसे जरूर ट्राई करना। अंकल ने ये भी बोला है कि हम रबड़ी चाय एंड समोसे को याद रखेंगे, क्योंकि वाकई में काफ़ी टेस्टी था समोसा। तो काफ़ी एंड कम आया था। ऑल थैंक्स टू अंकल। यहाँ पर लिखिए और अभी लखनऊ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, तो अभी पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे, लेट्स सी देखते हैं। तो गाइस लखनऊ पहुँच चुके हैं। अंकल ने हमें 316 किलोमीटर की लिफ्ट दी जो कि और सिनौली बॉर्डर के पास है। तो अंकल थैंक यू, थैंक यू अंकल। ये अंकल के साथ बहुत मज़ा आया, आज पूरे दिन इनके साथ स्पेंड किया हमने, खाना खाया, बहुत सारी बातें करी। ये इनकी ट्रक है, ये लखनऊ में रहते, अभी लखनऊ में ही है, तो बहुत मज़ा आया। तो बस अंकल को थैंक यू, थैंक यू अंकल, मज़ा आया उस ट्रक के साथ। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।